दस्त की बेटी है ये दस्त की माँ है बुरा मेहरबानी आपका शुक्रिया बोल बहुत आप इस ऊपर ये जो आपने लेबल लगाया वो हटा दिया और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं अब मैं रात को सोती हूँ तो मुझे डर लगता है मैं रो रो के अंदर के इंतजार करती हूँ अल्लाह अल्लाह ने देखे माफ करती है अल्लाह ने रोकन खदा नसीब ठीक है माँ बसमिल नाजरीन मैं हूँ आसम शराजी प्रोग्राम है फ़ैसला आपका आज हमने ये प्रोग्राम खली ़ीशान की वालदा की दुहाई से शुरू किया है और खलील और ़ीशान और अरीबा और नबीला की जो कत्ल है उसको अभी दो हफ्ते भी मुकम्मल नहीं हुए हैं मीडिया उसको फरामोश कर चुका है सियासी जमातें उसको फरामोश तकरीबा कर चुकी हैं बल्कि कर ही चुकी हैं वजीर आजम उसको फरामोश कर चुके हैं वजीर आला हुकूमतें सब फराम फरामोश कर चुके हैं क्योंकि इसकी वजह यह है कि इसमें वो लोग मुलविस हैं जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता कब इंसाफ मिलेगा इस ख़ानदान को ज़िशान की वालदा ये दुहाई दे रही हैं कि कुछ ना करें कुछ ना दें दहशत गर्द का लेबल हटा दें क्या सच है और क्या सच आवाम के सामने आएगा ये वो सवाल है जिसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए कि इन बच्चियों को इंसाफ कब मिलेगा क्या पाकिस्तान के वज़ी अजम जो कि हसास दिल रखते हैं क्या वही अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इन बच्चियों को इंसाफ दिला सकेंगे ये आज का सबसे बड़ा सवाल है आपके सोचने के लिए दूसरा जाहिर है कि वज़ी अजम पाकिस्तान आ, सियासी रहनुमा है एक बड़ी जमात के सियासत के अलावा वो सब कुछ कर रहे हैं इस वक्त अपोजिशन के ऊपर तनकीद करने के अलावा मेरा ख्याल है कि वो बाकी जो काम है वो आपके सामने है लेकिन तनकीद हो रही है और बिलाशुबा हो रही है आपने देखा होगा में नमल यूनिवर्सिटी का जो कॉन्विकेशन था उसके ऊपर भी वो बोले और खूब बोले और उस बोलने के का नतीजा ये निकला कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरा वो सुनीगा कि वो क्या जवाब दे रहे हैं वो अठारहवीं तरमी को चाहते हैं और मैं पूरा सियासी जदोजहद करने के लिए तैयार हूँ मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ मगर मैं अठारवी आइन पर एक आंच भी नहीं आने दू अगर इमरान खान की जगह तो तो जगह लोग कटपुतली हुत ले आना चाहते हैं कटपुतली हुत को इस्तेमाल करके ये सिद्धार्थी निजाम ले आना चाहते हैं पार्लियम फेडरल सिस्टम फिट है बेस्ट है इस मुल्क के अगर कोई इसको छेड़ना चाहते हैं तो जो प्रेजिडेंशल सिस्टम हम लेकर आएंगे वो उस हक में भी नहीं होंगे इतनी सर्दी में जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ चुका है एक तरफ स्पीकर साहब जो हैं वो पार्लिमानी निगरान कमेटी बना रहे हैं जिसमें जरदारी साहब जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ख़ुद वज़ी साहब भी हैं ताकि ऐवान का माहौल सही रहे और पार्लीमेंट चल सके और दूसरी तरफ पार्लीमेंट ख़ुद पार्लीमेंट के अंदर जो कायदे ऐवान हैं उनकी तकरीर आपने सुनी और उनके ख़िताब आपने मुलाजा किए क्या इस माहौल में पार्लीमेंट सही मानों में काम कर सकती है और क्या बिलावुल भुट्टो के जो खदशात हैं के पार्लिमानी निज़ाम जो है उसको खतरा हैंजाम के लिए उनके खदशा के ऊपर तरग मार्च की धमकी भी दे दी है वो भी बड़ी अहम बात है और यह भी कहा है कि ट्वेंटी ट्वेंटी में मंजूर विसान साहब के जो खब हैं वो दुरुस्त साबित हो सकते हैं क्या होगा क्या होने जा रहा है इसके ऊपर हम बात करेंगे जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान है जनाब बिलावल भुटो जरदारी जो कि पार पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्ला साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जाना माना नाम है वजी कानून रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का हमारे साथ है जनाब हमायूं अख्तर खान साहब पाकिस्तान तहरीक़ से इनका तल्लु है आ, कई मरतबा वफाकी वजी रह चुके हैं और एक जाना माना नाम है बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का और आपकी तशरीफ़ आवरी का पहले तो मुस्तफ़ा साहब ये बताइएगा कि ये जो आज दुहाई दी है माँ ने इसको इंसाफ दिलाने के लिए सियासी जमातें नाकाम हो रही हैं निजाम नाकाम हो रहा है हुकूमत के ऊपर भी पंजाब के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं देखिए निजाम नाकाम तो है हो नहीं रहा निज़ाम नाकाम है हमारे मुल्क में ताकतवर कोई भी हो उसका किसी भी तबके से ताल्लुक हो आ, उसको एहतसाब के दायरे में लाना उसको अकाउंटेबल ठहराना वो बहुत मुश्किल काम है नहीं होता यहाँ पर रावन वार की मिसाल आपके सामने मौजूद है नकीबुल्ला का केस कहाँ पहुंचा आ, फिर इसी तरह एस पी तायर दावर एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर इस्लामाबाद से अगवा हुए आ, क्या बना उस केस का और भी ऐसे लातादाद केस है मॉडल टाउन के लिंग्स हैं इतने लातादाद केसेस हैं कि जिनमें किसी जगह पे कोई नतीजा नहीं पहुंचा गया विक्टम्स रहे विक्ट इंसाफ की इसी तरह दुआइयां देते रहे और देते रहेंगे अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के अंदर हम उस निज़ाम को हम जद सारे उसके लिए कर रहे हैं हम ख़्वाहिश रखते हैं कि वो निज़ाम हो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हो और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हकीकी मायनों में रूल ऑफ लॉ हो ये ना हो कि ताकतवर के लिए एक अलग कानून और एक कमज़ोर आदमी के लिए अलग कानून अभी तक तो सूरत हाल ऐसे ही है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के जो जिम्मेदारान हैं Uh, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इंटेलिजेंस इदारे से है सी टी डी से है पुलिस से है जिस भी इदारे से है इट वॉज अ रॉन्ग जजमेंट कॉल और इस मौके के ऊपर ये एक सीरियस लैप्स था इंटेलिजेंस का और जो लोग इसके हैं जिम्मेदार उनको उनके ऊपर जिम्मेदारी आप ह्यूमन राइट्स कमीशन के कमेटी के भी सरबरा है सेनेट की। तो आप भी क्या इसके ऊपर कुछ बुला रहे हैं लोगों को इस पे काम करने की कमेटी में भी हमने नोटिस लिया है आ, कल हमारी कमेटी की मीटिंग है उसमें हाँ। आई पंजाब को भी हमने बुलाया है हमने होम सेक्रेटरी को भी बुलाया है जो जे के जो हेड थे उनको भी बुलाया है हुँ. और उनको उन, कहा है कि आप कमेटी को आके ब्रीफिंग दे और देखते हैं कि कल वो हमें क्या ब्रीफिंग देते हैं और उसके नतीजे में हम उनकी ब्रीफिंग्स को और उनके नुक़ नज़र को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं ठीक है अच्छा राना साहब ये जो आज जाहिर है कि एक तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं पॉलिटिकल सिस्टम है जमहूरियत है खान साहब ने भी कहा कि जमहूरियत जो है वो अब अपने पाँव जमा चुकी है पाकिस्तान के अंदर और जो बूटे लगते थे फौजी गमलों के अंदर वो अब ख़त्म हो गए हैं तो अब आप क्या समझते हैं कि इंसाफ की फ्राहमी भी हो रही है तरीके इंसाफ की हुकूमत के अंदर या वो नहीं हो पा रही और ये जमहूरियत वाकई पुख्ता हो गई है देखिए जहां तक आप खान साहब की बात करें तो खान साहब जो हैं वो ना सिर्फ सही बात करने से आ रही हैं बल्कि वो सही बात समझ भी नहीं सकते बिल्कुल उनके मतलब ये सोचना कि ये आदमी जो है वो किसी दिन जो है वो सही रास्ते पे या सही आ, मामले पे आ जाएगा ये जो है ना बिल्कुल हमाकत है देखिए वो गमले की बात करते हैं ठीक है जब आप एक इमरान खान की शक्ल में एक पूरा दरख्त लग गया है तो अब गमले में पौधा लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है और ये पूरा दरख्त जो है जिस तरह से लगा है और इसके जो आमाल हैं जो इसकी जो है वो यानी तरीक़ाकार है उससे इसको लगाने वाले भी परेशान हैं कि ये हमें कहाँ लेके जाएगा देखिए बात ये है कि ये जो वाक़ है शान साहिवाल के नाम से हम जिसे आ, जिसके ऊपर बात कर रहे हैं आपने ये कहा कि जी ये सब भूल चुके हैं सियासी जमाते भी भूल चुके हैं हकूमत जो है बाक़ी सब मीडिया भी मेरा इस पर थोड़ा सा जो है वो नुक़ः नज़र मुख्तलफ है देखिए इस वाक़े को हुकूमत ने ख़राब किया है इस वाक़े को हुकूमती वुजरा के आप बयान देखें बारह बज के छत्तीस मिनट पर यह वाक़ हुआ है और बारह बज के सैंतीस मिनट पर वुज़रा ने जनाब जो है ना अपनी कवाली करनी शुरू कर दी और उन्होंने ऐसा तमाशा बनाया इस केस का आज एक इनके जो लाहौर में इनके बैठे हैं बदज़ुमान साहब वो आज भी कह रहे थे कि जी जो है वो बहत्तर घंटे में हमने ये कर दिया छः घंटे में हमने ये कर दिया अब इबरतनाग जो है वो हम सजा देंगे देखें मामला ये है कि ये जो इंसिडेंट है इसके दो पहलू हो सकते हैं एक पहलू इसका ये हो सकता है कि जिन लोगों ने वहाँ पे ऑपरेशन किया उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट था वेंडेटा था और उन्होंने टारगेट करके इन लोगों को अपने पर्सनल इंटरेस्ट या वेंडेटा की बुनियाद के ऊपर उन्होंने इनको कत्ल किया दूसरा ये हो सकता है कि ये एक रॉन्ग वीक अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन पे ऑपरेशन हुआ और वो ऑपरेशन जो है वो एल प्लान था उसमें प्रोसीजरल जो है वो सी नहीं थी गलतियां थी अब इन दोनों चीजों जो है इन दोनों चीजों की एक जैसी सजा नहीं हो सकती <laughs> अगर आप इन दोनों चीजों की एक जैसी सजा देंगे तो फिर कल को आपको कोई नहीं खड़ा होगा किसी ऑपरेशन के लिए किसी दहशत गर्द के लिए और किसी जगह पे कोई जान की कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल अच्छा अब मामला ये था कि जब तक जे जो है वो इस इन दोनों पहलुओं के ऊपर एक मुस्त राय कैम ना करती उस वक़्त तक ये हुकूमत ये वजीर अजम और ये बुजुर्ग जो है अपनी ज़ुबान बंद रखते लेकिन इन्होंने अब ऐसे मामले को खराब कर दिया है अगर तो पहला पहलू होता तो फिर ठीक है इब्रतनाक सजा भी मिलनी चाहिए सही और उनको मिसाल भी बनाना चाहिए और अगर दूसरा पहलू होता तो फिर हुकूमतें जो हैं या डिपार्टमेंट जो हैं वो अपनी गलती भी तस्लीम करने की और और उसको तस्लीम करवा दुनिया में उसकी कंपनसेशन का भी कोई रिवाज है लेकिन इन्होंने तो ऐसा मामले को गड़बड़ किया है जी कि अब इसमें जो है वो ना आप जो है वो इस पहलू की तरफ जा सकते हैं ये आप, की खुद अपनी सी है। आप भूल जाए लेकिन तहरीक इंसाफ की हुत है हमें याद है वो वजीर आजम जो उस वक्त अपोजिशन में थे जिन्होंने साना मॉडल टाउन के ऊपर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की जिन्होंने बाकी छोटे से वाकई के ऊपर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे खराब किया हाँ और अभी अभी क्यों नहीं हो रहा मतलब बुजदार साहब काम नहीं कर पा रहे वजीर आजम काम ले नहीं पा रहे क्यों क्यों नहीं इस मामले का हल हो रहा साहिवाल का जी, आ, बिल्कुल रना सनावला ने सही कहा है कि हमें जल्दी जे आई टी का जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी एक रिपोर्ट आ, का इंतजार है आ, अगर पहले किसी आ, कूमती वज़ीर ने कुछ बयान दिए हैं आ, मैंने सारे बयान तो नहीं सुने कुछ ज़रूर सुने हैं लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है आ, बाकी पाकिस्तानी कौम की तरह मैं भी बेहद अफसरदा हूँ जी और पूरी कौम का दिल टूटा हुआ है इस अनोनाक वाक्य के नतीजे में आ, और आ, आ, मैं चाहूँगा कि रिपोर्ट सामने आए जो गुनागार अफराद हैं उनकी निशानदेही की जाए जो बेगुनाह हैं उनकी भी निशानदेही की जाए बिला वजह हम लोगों पर इल्जाम ना लगाएं और मुस्तबिल के लिए हम अपने जो एस ओ पीज हैं अपने जो सिस्टम्स हैं उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें एक चीज़ मैं आपको जरूर बता दूँ कि पंजाब पुलिस में बहुत खामियाँ होंगी पैंतीस साल से पी एम एल एन ने इस सूबे में बशतर हिस्से कुमत की है आ, लेकिन इस इस, पु, इस पुलिस की कुर्बानियां भी बड़ी हैं जो हमारी वॉर ऑन टेरर है और पाकिस्तानी फौज की पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस की कुर्बानियां हैं मैं समझता हूँ कि दुनिया का आ, वाहिद मुल्क है जिसने इफेक्टिवली टेरर को काउंटर किया है इस मुल्क में लेकिन ऐसे वाकत के दुनिया के हर मुल्क में दुनिया के हर मुल्क में ये वाकियात होते हैं और इसमें फिर उसको अजाला करना चाहिए और उसके उसको उसमें बेहतरी लानी चाहिए तो इसका थोड़ा इंतजार कर लेते हैं

वो अभी तक तो वो लोगों के सामने आवाम के सामने भी ये, पेश ये, नहीं किए जो हैं ये, ये, अभी आ, सोच, सोच, आपने सारी बातें सही की सोशल मीडिया के एविडेंस है परसेप्शन है और मुझे खुशी है कि राना सना क्योंकि वो वकील हैं उन्होंने उन्होंने वेरियस ऑप्शन की बात की है लेकिन किसी को अभी निजाम ने ठहराया और ये जरूर कहा है कि बुजुरा ने जो बयान दिए हैं थोड़ा इंतजार कर लें, देखें ये ये अंडर द रग इसको कोई नहीं कर सकेगा इस वाक्य को इसमें प्राइम मिनिस्टर जाति तौर पे इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसका कोई ना कोई नतीजा जल्द सामने आएगा अच्छा चले मतलब आपने जब ये बात की तो मुस्तफा साहब थोड़ा सा मुस्कुराए कि ये इसको भुलाया नहीं जा सकेगा इसको फरामोश नहीं किया जा सकेगा मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ ब्रेक के बाद ज़रूर इस पर भी बात करेंगे और साथ में पार्लियामेंट को चलाने के लिए जो निगरान कमेटी बनाई है इसका मतलब ये कि पार्लियामेंट नहीं चल पा रही कैसे चलेगी क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं हम ब्रेक से पहले मुस्तफ़ा साहब बात कर रहे थे कि क्यों इंसाफ जब होता है जब निज़ाम मजबूत हो निज़ाम आपकी जमात खास करके बिलावल साहब बार बार ये कह रहे हैं कि पार्लिमानी निज़ाम को खतरा है अठारवी तरमीम के लॉन्ग मार्च करेंगे एक तो मतलब वाकई लॉन्ग मार्च करेंगे अठारहवीं तरमीम को वाकई कोई खतरा होने जा रहा है पार्लियामेंट को कोई खतरा है देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि वजरा के बयान ऑन रिकॉर्ड है हैं। जो अठारहवीं तरमीम के बारे में वो दे चुके हैं कि ये आ, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं फिर निज़ाम बदलने की भी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा सरगोशियाँ हो रही हैं बातें हो रही हैं सदारती नि लेके आने की बातें हो रही हैं और जो बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरफ इशारा किया कि जिस तरह का सदारती निज़ाम होना चाहिए अगर वो वो निज़ाम भी क़ुतों को कबूल नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो तो फिर करती हैं हाउस की फिर उसमें तो जजेस की अपॉइंटमेंट जो है कमेटीज़ करती हैं अमेरिका का जो सदारती निजाम है उसमें जो जनरल्स की अपॉइंटमेंट है वो भी कमेटीज uh, उसको करती हैं। चीफ आर्मीज के दीगरान बहुत ज्यादा स्टेट आए थे इकट्ठे हुए थे उन्होंने फेडरेशन कायम की थी लेकिन यहाँ पे खैर तो ये ये ऐसी चीजें हैं कि जिस जो फिर शायद उनको खुद काबिल कबूल ना हो लेकिन निजाम को भारत और जिस तरह मैं कह रहा था कि उनके वज़रा और रिकॉर्ड है और अगर इस तरह की कोई बात हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत क्लियर है इस वक्त छोटे सूबों में बहुत ज्यादा अरताश की कैफियत है बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का बहुत बड़ा इशू है वहां की एक मेजर पोलिटिकल पार्टी जब पी टी आई के साथ बैठती है इतहाद करती है और उसको लिखती है तो पहला नुकता वो मिसिंग पर्सन का रखती है खैबर पख्तूनख्वा की सूरत से आप वाकिफ हैं वहां पर नौजवानों की एक तहरीक चल रही है पंजाब के अंदर तेरह जुलाई के बाद जब से एक, एक

उनसे मुतफिक हैं या ये बहुत बहुत पहले वो बात कर रहे हैं वो इज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है या मुस्तफा साहब या पीपल्स पार्टी एजेंशन के ऊपर है कि पार्लिमानी निजाम को खतरा है या जिस तरह से पार्लियामेंट चलाई जा रही है आपको लगता है कि नहीं वो सदारती निजाम वाली सरगोशियां दुरुस्त है नहीं ये बिल्कुल न सिर्फ बिलावल साहब का जो मौकफ है वो दुरुस्त है बल्कि बाज दफ़ा अपनी स्पीचेज़ में जो जरदारी साहब ने बात की है कि मेरा घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है इसलिए कि मैं अठारहवीं तरमीम के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूँ या मैंने नहीं किया वरना जब बलूचिस्तान की हुकूमत ग्रही जा रही थी और वहाँ पर जरदारी साहब के चाहे वो बहाँ में बाहें डाल के जो है वो सारा ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया जा रहा था तो ये सारा कुछ जो अब जरदारी साहब के खिलाफ जो है वो जे रिपोर्ट्स की शक्ल में मौजूद है तो ये तो सारा कुछ उस वक्त भी था ये फाइलें जो है ये बनती रहती हैं साल हर साल बनती रहती हैं जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर उनको निकाल लेते हैं तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है ये बात हो रही है और इस बात को बाकायदा एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और करवाया जा रहा है और इसके ऊपर जो है वो चेक किया जाएगा कि क्या रिएक्शन होता है और करने वालों और करवाने वालों की शायद जेन में ये है कि यहाँ पे हम जनरल अयूब जैसा प्रेसिडेंट का सिस्टम ले आएंगे या हम जनरल या, या जनरल मुशरफ जैसा जो है वो प्रेसिडेंशियल जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आएंगे ये नहीं हो सकता

जो लोग ये चाहते हैं कि इसको वापस दिया और वापस तो उसमें तो और ज्यादा के तो कि कि, पास बार बार चली जाए बिल्कुल रान साहब हमायो साहब से पूछ लेती हूँ की वन पार्टी रूल की आप लोग बात करते हैं बार बार आज कल जो चल रही है वायरल हुई हुई है शाह महमूद कुरेशी साहब की बात वो भी आपने सुनी होगी हमारे साहब तो ये सारी वही निशानी है जो कि सिदारती निजाम की तरफ ले जाती है जरा सुनिएगा कि शाह महमूद साहब ने क्या कहा ये उनकी वीडियो बहुत वायरल हुई है जरा सुनाइएगा फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ फैसला है ज़हन बना पागिद है नजदूर दिल पा है ना नवाज शरीफ के ना कबूल है ज़रदारी। हमारे साहब अब देखें जब इस तरह की बात सुनते हैं तो फिर लोगों के जो शकूक हैं वो यकीन में बदल जाते हैं कि फैसला कौन कुवतों ने जहन बना लिया है कि नवाज शरीफ कबूल नहीं जरदारी कबूल नहीं कैसे वो जहन बना सकते हैं आई थिंक uh, शाह महमूद कुरैशी साहब जिक्र कर रहे थे अवाम की सोच का ऑब्वियसली <laughs> पंजाब में और हमें अगर आवाम को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए ना मुझे पता नहीं <laughs> कि फैसला कौन कुवते अवाम है यानी वो अवाम की सोच का अवाम सबसे बड़ी फैसला फैस सबसे बड़ी फैसला कौन करने वाली कुत तो अवाम ही है ना जी, जी। अच्छा मेरी गुजारिश सुनिए मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इतने सीनियर <laughs> लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी में और पी एम एल एन में और इनको ये क्यों खौफ है कि इस असम्बली में अठारहवीं तरमीम हट जाएगी या एन एफ सी अवार्ड रिवर्स हो जाएगा या प्रेजिडेंशल सिस्टम आ जाएगा देखिए हमारे पास सिंपल मजॉरिटी है नेशनल असेंबली में हमारे पास नेशनल असेंबली में दो तिहाई अक्सरियत नहीं है सेनेट में हमारे पास सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है तो दो तिहाई तो ते दूर की बात हम किसी किस्म की ये कोई चेंज जो हमने जिक्र किया नहीं ला सकते जब तक कि हमारे पास दोनों हाउसेस में दो तिहाई अक्सरियत ना हो या हमारे पास ऐसे अलायंस पार्टनर्स हों जो हमारा साथ देने को तैयार हों अगर पीएमएलएन और पीपल पार्टी इसके साथ नहीं देना चाहती तो इनको फिक्र किस बात की है कि ये जो चीजें हैं ये किस तरीके से लाएंगी आया इनको डर है कि डाल फॉर्मूला हो जाएगा फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को लीडर्स को उनको आप अंडर प्रेशर लेकर आए उनके गिरद घेरा तंग करें जैसे राणा सनावला साहब कह रहे थे और फिर उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाएं जो आप चाहते हैं वन अब, पार्टी अब, अब फिकर बार बार है, है अब 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 कौन कौन लीडर ये लीडर जो हैं ये ये यू you नो know, जान देने पे तैयार हो जाएंगे इसके बाद ये ये लीडर कैसे मान सकते हैं ये बातें ये कैसे हो सकता नहीं नहीं हवाईयो साहब ऐसा नहीं है अच्छा इट्स इट्स अ है, इस, इस, इस ये फार्ण। फार्ण। इस है इस जो इस कंटेनर पे जब चढ़े थे ना इमरान खान साहब और उस वक्त ये जब अपने लोगों को बताते थे कि बात हो गई है जो चीफ जस्टिस है वो उसके साथ वो हमारा है और ये मामला जो है ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से वहाँ से फैसला लेंगे और फिर उसके बाद ऐसे होगा और फिर उसके बाद इलेक्शन होगा और इमरान खान साहब को ये गलत फहमी अच्छा। तो है ना कि मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर आदमी हूँ और प्रेजिडेंट से इलेक्शन में जो है वो मैं नहीं वो, ही जीत जाऊंगा नहीं वो वो तो ये वही तो सच साबित हो गई है वो तो सच साबित हो गई है इमरान खान साहब हुकूमत तो बना बैठे हैं बेषतर पाकिस्तान पे और वफाक में तो पॉपुलरिटी नहीं बैठे सिलेक्ट किए गए सासतदान है और मैं आप कभी अलगा बैठ के ये बहस बहस कर सकते हैं साहब मुझे आपकी मजबूरी का एहसास है नब्बे से हम आ सकते हैं सर क्या मुझे 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 उतनी मजबूरी है मुझे उतनी ही मजबूरी है मुझे उतनी मजबूरी है राणा साहब जितनी आपको है अच्छा अच्छा मैं मैं जी, आगर आगर आप, फिर फिर, फिर, फिर। आप सीधी बात कर दें फिर अगर एक चीज मुझे इजाजत दीजिए एड करने के लिए एक लंबी बहस है राणा साहब आपको भी पता है मुझे भी पता है कि पिछले तीस पैंतीस साल में इस मुल्क में कैसे निजाम चला है तो वो इस में नहीं पड़े अच्छा सर मैं अगर इजाजत मुझे दें तो सिर्फ एक जुमला कहना चाहूंगा हुमायूं साहब ने कहा कि फिक्रमंद क्यूँ फिक्रमंद हम इसलिए भी हैं कि जब इंटरक्शन होते हैं जब एन डी यू के अंदर कोर्सेज होते हैं और जब वहां पर गुफ्तु की जाती है सीनियर लोगों की जानब से गुफ्तु की जाती है और कहा जाता है कि अठारवी तरम जो है इसने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया है रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा चले गए हैं सूबों के पास एन एफ सी और सदारती निज़ाम जो है वो सदारती निज़ाम हमारी नजर में मुल्क के लिए एक बेहतर हो सकते तो जब ये इस तरह की बातें ओपनली कही जाती हैं सियासतदान जो वहां पर कोर्सेज करने जाते हैं जब वहां पर और सहाफी होते हैं जो आपके इंटरेक्शन होते हैं तो फिर फिक्र होती है और हमारे का से साथ से चला चला गया। चला गया। अच्छा मैं ब्रेक के फौरन बाद आपसे राय लेती हूँ इसके ऊपर एक छोटी सी ब्रेक ब्रेक के बाद वापस आएंगे की जब दो तिहाई अक्सरियत नहीं है पीटीआई के पास तो क्या और फॉर्मूला हो सकता है वही फॉर्मूला जो राणा साहब बात करें या Uh, महज इसके अलावा भी कोई और चीजें भी ऑन द कार्ड हो सकती हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं अच्छा हमारे साथ ब्रेक से पहले आप कुछ कह रहे थे सर जो चार्टर ऑफ गवर्नेंस की बात की है देखिए इंटरफेरेंस तो पॉलिटिकली रही है इधारों की इसमें तो कोई दो राय है नहीं और अब चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं चार्टर ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए कल जरदाई साहब ने कहा हो लेकिन ये पार्लियामेंट के अंदर हो आपको नहीं लगता कि जरूरत है बात करने की एक दूसरे के रोल को डिफाइन करने की दोबारा से ताकि सिस्टम इनकॉर्पोरेट हो सही मानों में चले आसमा सिस्टम तो हर वक्त ए, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन में रहना चाहिए और सियासी कुवतें सियासी पार्टीज आपस में उनको मुख्तलिफ इदारों को सलाह मशवरा जारी रखना चाहिए बल्कि जस्टिस आसफ़ सईद खोसा चीफ जस्टिस ने तो कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं इनकी आपस में सलाह मशवरा जारी रहना चाहिए मैं एक मैं जो बात कहना चाहता था वो ये है कि मेरी नज़र में इस मुल्क में सिस्टम का इशू नहीं है और मैं जी तौर पर और मैं मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात रहती है मुख्तफ वजरा से रहती है पार्टी मेम्बर से रहती है इसमें कोई ऐसी सोच नहीं है सीरियस लोग बहस कर रहे होते हैं रात को ड्राइंग रूम में गपशप मार रहे होते हैं लेकिन मेरी नज़र में सिस्टम को चेंज करके पार्लियामेंट्री से लोग तो वही होंगे जो वो नया सिस्टम भी चलाएंगे ओके आप लोग तो नए नहीं ले आएंगे ना ऊपर से कि वो नया सिस्टम चलाएंगे ओके इस सिस्टम को जो बहत्तर साल की इवोल्यूशन के बाद एक इवॉल्व किया है और इसमें बहुत से मसाइल हैं इसमें दिनी कुतें भी मोरलस राजी हैं और फेडरेशन, फेडरेशन के यूनिट्स भी मोरलस राजी हैं वो थोड़ी बहुत चपकेलश रहती है मैं तो समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती होगी जो भी इस निजाम को इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करेगा इस वक्त ये बहुत बहुत बस... की कोई चीज देखता हूं कोई चीज देखता हूं जो इस सिस्टम को चेंज करेगा वो इस मुल्क को बहुत ज्यादा खतरात में डाल अच्छा देगा। तो राणा साहब ये तो देखिए हमायो साहब ने तो साफ ये बात कह दी पीटीआई के अंदर भी ये रियलाइजेशन है या जिस तरह से पार्लियामेंट इस वक्त चलाई जा रही है वो आ, अमलन जो है वो पार्लियामानी जो निज़ाम है उसके खिलाफ ही इकदाम हो रहा है क्योंकि पार्लियामेंट तो इस वक्त मोस्ट इन इफेक्टिव जो है वो इंस्टीट्यूशन बन गया है अनफॉर्चुनेटली नहीं देखें इसमें राय तो दोनों तरह की मौजूद है हर जगह पे लेकिन वो जो ताउर रहमान साहब आजकल बनाए हुए हैं पूरी कौम की जो है वो फ्यूचर और पूरी कौम की तालीम के मामल को सीधा करने के लिए उनके आप कॉलम पढ़ें और उनका आप देखें कि वो क्या प्रोपागेट कर रहे हैं इसी तरह से और गवर्नमेंट साहब वो पीटीआई टी आई की नुमाइंदगी तो नहीं करनाट पी टी आई और भी लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर और बाहर जो है वो इस किस्म का का की प्रोपेगेशन कर रहे हैं लेकिन हवाइयों अख्तर खां की जो ये बात है कि ये ये जो है ये बड़ा नुकसानदेह होगा मैं इस बात को एंडोर्स करते हूँ इसमें ये इजाफा करूंगा कि ये नामुमकिन होगा उन्नीस सौ तिहत्तर के आइन पे जिस तरह नहीं से नहीं। फेडरेशन के तमाम यूनिटों ने इत्तफ़ाक किया अब अगर आप ये नया पंडोरा उतफाक तो नहीं हो सके तो इसके आप बहुत ही खतरनाक होगा कि देल गुर। देल। गुर। इस पे अभी है। इसके ऊपर तो मौजूद है, है मुस्तफ़ा साहब ये जो जैसे बिलावल साहब कह रहे हैं की ये हुत नहीं चल पाती ट्वेंटी में बदल जाएगी वो मंजूर साहब के खाब को बेशक बुनियाद बनाए जरदाई साहब साफ कह रहे हैं अगर ये हुकूमत नहीं चलेगी तो ये निजाम कैसे चलेगा नहीं ये हुकूमत नहीं चलेगी तो फ्रेश इलेक्शन हो जाएंगे ये निजाम के साथ जुड़ी हुई नॉट देखिए पार्लियामेंट अगर इनफेक्टिव है राणा साहब आपने ठीक बात की पार्लियामेंट अगर इन इफेक्टिव है तो उसकी वजह यह है कि पीटीआई की हुकूमत हर वक्त गाली गलोच और लड़ाई झगड़े में पड़ी हुई है आप मुझे बता दें पिछले पांच छह महीने में कोई एक कानून कौमी असेंबली के अंदर टेबल किया है उसके ऊपर बहस होना उसका मंजूर होना तो एक अलग हुकूमत तो <laughs> तो को संजीदगी से नहीं लेंगे की बात की थी तो ये कैसी पुलिस है। की जो दुरानी साहब जिनको लेकर आए थे रिफॉर्म्स करने के लिए उनको निकाल दिया आई को निकाल दिया पुलिस के अंदर इंटरफेरेंस जिस तरीके से की पागपत्र वाले इंसिडेंट पे आई जी इस्लामाबाद के साथ जो किया तो ये सारी चीजें अब खुद अगर इन्होंने अपने निजाम को दुरुस्त करने के लिए एक्शन ना किया तो उसका तो गवर्नेस के पीटीआई की नाकामी है वो, तो वो पीटीआई की नाकामी है, पी है निजाम की नाकामीट तो नहीं किया जा रहा बिल्कुल इंटरप्रेट तो यह किया जा रहा है कि इससे पहले जो दो जमाते थी वो भी नाकाम हुई है और अगर ये भी नाकाम हो गई तो निजाम नाकाम खतन नहीं आप अपने साथ इंडिया देख लें अगर इंडिया के अंदर पिछले आजादी के बाद से इकट्ठे हम आजाद हुए अगर वहां पर जमुहरियत चल रही है उसमें सक्सेसिव पोलिटिकल पार्टीज के अगर फेलियर होते हैं तो वहां पे इम्प्रूवमेंट्स भी आती है तो ये तो कोई जवाब नहीं है कि अगर कोई पोलिटिकल पार्टी इमरान खान साहब आज बुरे तरीके से फेल हो रहे हैं अवाम के इश्यूज को हल करने में हुकूमत साजी करने में तो यह निजाम का कसूर है अच्छा खान साहब का तैयारी नहीं थी उन अच्छा उनकी तैयारी नहीं थी वो अनप्रिपेयर थे ये ये मैं, कुछ कह सकता जी हमारे लास्ट सर आप ही आपसे लेती हूँ जी सर देख देखे वो मुस्तफा बुरी तरह तो बिल्कुल नाकाम नहीं हो रहे नहीं। अभी पांच महीने हुए हैं देखिए मैं आपको कामयाबी ये बताऊं कि के, के 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 ये जो 18-19 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है जिससे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हुए जिससे रुपया गिरना शुरू हुआ हम तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हमने सऊदी अरेबिया से बेहतरीन ताल्लुकात कर लिए हैं यूएई से चाइना से अमेरिका से बहुत अरसे बात आई थैंक मैं आपको पैशनगोई करूं कि अब अनकरीब करीब हम आईएमएफ हमें आईएमएफ के पास जल्दी जाना चाहिए हम जाएंगे और आप देखेंगे कि हालात हाँ, वो भी, वो भी कामयाब हो रहे वो हैं वो आप, जी सर वो कह रहे हैं कि कामयाब हो जाएंगे लेकिन जाएं। सर लास्ट आप कुछ जा, कहना चाहते हैं फिर मैं वाइंड जी राना साहब देखें आपने जो कहा ना कि पहली हुकूमतें जो है वो भी नाकाम हुई है और ये भी नाकाम हो रही है नहीं नहीं पहली हुकूमतों को नाकाम किया गया उनको नाकाम करने के लिए बड़ी कोशिशें हुई ये जो है ये अपनी नाहलीत की वजह से नाकाम हो रहे हैं आप ये देखें कि अगर ये पहले दिन आईएमएफ के पास चले जाते तो ये जो खराबी चार पांच माह में की है वो ना ये होती, ना होती। ये... अब ये सारी है तो, आई थिंक आई एम एफ की टाइमिंग बहुत अच्छी है अब आपको पता चल रहा है कि पाकिस्तान का जो दुनिया में अहम किरदार है वो सामने आ रहा है उससे हमें आईएमएफ में अच्छी डील लेने में जो तो महंगाई तो और टाइमिंग के ऊपर तहफात मौजूद हैं बहुत इस पे तहफात हैं लेकिन असल बात गवर्नेंस की है साहिवाल का वाक सिर्फ एक वाकया नहीं है ये गवर्नेंस की फेलियर है जिसकी वजह से ये हो रहा है इसको हल करना और उसके साथ साथ तो पाकिस्तान के अवाम को जो जिनके पास असल इख्तियार है उनको मतमिन करना असल मतम नजर होना भी निज़ाम होगा चल नहीं सकेगा गुफ्तु आपने सुनी फैसला आपका